हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आठ सूत्रीय विभाजन या मियोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल साइकिल के बाद सेल डिवीजन के बारे में एक वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, और सेल डिवीजन की माइटोसिस प्रोसेस के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में आपको डिटेल में अध्ययन कराया गया है। इसी के साथ दूसरा प्रोसेस जो है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन ये भी एक प्रकार का सेल डिवीजन है, और कहाँ संपन्न होता है? गैमेट सेल्स में, युग्मक जहां बनते हैं वहां ये होता है। देर इज ए सिंगल डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, उसके बाद दो बार न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, और ईच ऑफ रिजल्टिंग डॉटर सेल्स हैज वन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। डिप्लोइड जो सेल्स है वो हैप्लोइड सेल्स में, डिप्लोइड सेल्स का हैप्लोइड सेल्स में परिवर्तन जो हो रहा है, मतलब गुणसूत्रों को आधा हम कर रहे हैं, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। ठीक है, गैमेट सेल्स में हो रहा है, इसका मतलब स्पर्म जो है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं स्पर्म में, अर्धसूत्री विभाजन 23 स्पर्म्स रहेंगे, और इसी प्रकार एक में जो गैमेट में 23 एग्स में रखे, और दोनों का जो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजर सेल्स में जायगोट थी उसमें 46। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए ये एक प्रोसेस है अर्धसूत्री विभाजन। ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल इज कट इन हाफ, आधा करने के लिए जो हम करते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देते हैं गैमेट में, और फिर वो एक मेटरना और पैटरना से आधे आधे गुणसूत्र मिलके नई पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। डिप्लोइड का मतलब होता है दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और हैप्लोइड का मतलब होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेट क्रोमोसोम। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिसको जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है, होमोलोगस, समजात गुणसूत्र। समजात का मतलब होता है कि ऐसे क्रोमोसोम जो करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम फ्रॉम द अपोजिट सेक्स पेयर्स, ठीक है, एक मेटरनल और एक पैटर्नल से जो समान गुणसूत्र आते हैं वो होमोलोगस कहते हैं। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं ये शेप में, पोजीशन में और इन्फॉर्मेशन में बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच, समान होंगे लेकिन आइडेंटिकल एकदम बनी। देखिए किस प्रकार से है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक, पैटर्नर ही आया, मेटर्नर ही आया, ठीक है, ये दोनों समान होंगे, इनका रिप्लिकेशन होगा तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये सिस्टर क्रोमेटिस के उनके सिस्टर क्रोमेटिस दोनों समान हैं, इनकी पोजीशन लोकेशंस और वो टाइप समान होगी, इसलिए ये होमोलोगस समान गुणसूत्र समान एक साथ पेयर करेंगे होमोलोगस गुणसूत्र। कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनकी सिमिलर लेंथ होगी, बराबर लेंथ, सेंट्रोमियर की पोजीशन समान होगी और जीन लोकेशन समान होगी, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये लेंथ समान है, लोकस जहां जीन्स लगे होंगे ये समान होंगे, सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल में एक समान होगा, और सिस्टर क्रोमेटिस जीन लोकेशन सेंट्रोमियर और ये समान लाइन, दिस द होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन्हीं के मध्य में पेयरिंग होगी, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कुछ टर्म्स आती हैं इसमें, जैसे सिनेप्सिस, कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम्स है जब क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग कर लेते हैं उसको सिनेप्सिस कहते हैं। बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो बाइवेलेंट होती है, ठीक है। टेट्राड, जब होमोलोगस क्रोमोसोम देट हैव फोर क्रोमेटिड्स उसको हम कहते हैं टेट्राड। सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड फ्रॉम सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक ही क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड है वो सिस्टर क्रोमेटिड। और कैजमा वो पॉइंट है जहां क्रॉसिंग ओवर होता है, इसको हम कैजमा कैजमेटा कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस इसमें आएगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से आपस में पेयरिंग कर जीन्स का एक्सचेंज कर लेती है, इस प्रकार जीन का एक्सचेंज कर लेती है, ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। प्रोसेस इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज पोर्शन ऑफ देयर क्रोमेटिड ड्यूरिंग मियोसिस,
ये मियोसिस में, प्रोफेज में ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि यहाँ हमने देखा है कि इसमें ABCDE कैपिटल में और ये स्मॉल में है, तो यहाँ एक्सचेंज हो गया, तो कैपिटल ए बी के बाद सी डी ई इस प्रकार के जीन का आ गया, और यह स्मॉल ए और बी के बाद सी डी ई है, तो ये टुकड़ा टूट के इधर और इसका टुकड़ा टूट के इधर जीन का एक्सचेंज हो गया, ये कहलाता है क्रॉसिंग होगा। प्रोफेज फर्स्ट, जब हम प्रोसेस की बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो प्रोसेस थे। मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे और प्रोड्यूस टू सेल विद हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर होंगे और इसी का हैप्लोइड क्रोमोसोम्स की संख्या आधी इसी मियोसिस फर्स्ट में की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मियोसिस फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट, जिसमें ये प्रोफेज फर्स्ट जो है, सॉरी, दिस इज द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन, सबसे लंबी प्रोसेस है प्रोसेस, और ये 85 से 90% ऑफ द टोटल टाइम यही लेती है, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स सारा प्रोसेस इसी में हो रहा है, और इसको हम डिवाइड करते हैं, पिछली कक्षा में जान के आके हैं कि इनको 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं प्रोफेज फर्स्ट को, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेज। इन पांचों स्टेज में किस प्रकार से कौन कौन से प्रोसेस होंगे ये आपके यहाँ आप देख सकते हैं कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, काइनेसिस, ये 5 स्टेज हैं, और इस 5 स्टेज में पहली स्टेज हम लेके चलते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेस इज कॉल्ड लेप्टोटिन और लेप्टोनेमा। इसमें क्या होगा कि जितने भी क्रोमोसोम से वो कंडेंस संघनित होने लग जाते हैं, जिसके कारण ये विजिबल हो जाएंगे और फाइन थ्रेड के रूप ये विजिबल होने लग जाएंगे, पहला काम। दूसरा कि न्यूक्लियर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। ए प्रोसेस और होमोलोगी सर्च, होमोलोगी सर्च विच इज एसेंशियल टू द इनिशियल पेयरिंग ऑफ होमोलोगस बिगिन टू, कि इसमें अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, सेंट्रियोल्स टू पेयर्स हो जाएगा सेल, ठीक है। लेप्टोटिन स्टेज में, जाइगोटिन स्टेज में, जिसे जाइगोनेमा भी कहते हैं, कि इस स्टेज में इनिशिएशन ऑफ पेयरिंग होने लग जाएगी बिटवीन सिमिलर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में, और स्टेज एंड होते होते ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग, जो इनका आपस में पेयर बनाना है एट एंड टू एंड बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्स, इसको कहते हैं सिनेप्स, मतलब जाइगोटिन स्टेज कंप्लीट होते होते सिनेप्सिस का प्रोसेस हो जाता है और ये होमोलोगस डायोड बन जाते हैं। जबकि ये द सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो बना है दिस जाइगोटिन, द कंप्लीशन ऑफ जाइगोटिन द पेयर होमोलोगस टेक द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट पेयरिंग बिटवीन, इनके पेयर होंगे, द नंबर ऑफ बाइवेलेंट इन ईच स्पीसीज इज इक्वल टू द हैप्लोइड नंबर, जितने भी हैप्लोइड नंबर हैं उसके इक्वल ये बाइवेलेंट रहते हैं। तीसरी स्टेज आती है पेकाइटिन, पेकाइनेमा, ठीक है, इसमें सिनेप्सिस कंप्लीट हो चुकी होती है, यहां तक आते हैं सिनेप्सिस कंप्लीट की है होमोलोगस क्रोमोसोम, और दो होमोलोगस जो है बाइवेलेंट अपीयर टू बी अटैच विद ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट, दीज अटैचमेंट आर नॉन एस्पेक्ट। अब ये आपस में एक दूसरे से बाइवेलेंट या टेट्रा जो क्रोमोसोम से ये एक दूसरे से टच कर जाते हैं और ये कैचमेंट या जीन का एक्सचेंज जहाँ से होगा वो कैचमेंट। क्रॉसिंग ओवर यहाँ होगा प्रेसाइज, ब्रेकिंग होगा, स्वीपिंग होगा, रीयूनियन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्रॉस क्रॉसओवर मेक न्यू जीन कॉम्बिनेशन एंड विच आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन। ये क्रोमोस क्रॉसिंग ओवर से ही न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा और जेनेटिक वेरिएशन नई पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। डिप्लोटिन स्टेज में डीएनए रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीट हो जाएगा और क्रोमेटिड कंटिन्यू टू शॉर्टन, अब ये क्रोमेटिड छोटी होने लग जाएंगी और थिकन होने लग जाएंगी और द क्रोमेटिड ग्रुप इज कॉल्ड टेट्राड, फोर सिस्टर क्रोमेटिड जो है अब ये टेट्राड के रूप में हमें देखने को मिलेगा, कैचमेंट हाउस में होंगे। द सिनोप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बिगिन टू ब्रेक डाउन,
अब ये सिनोप्टोनोबल जो कॉम्प्लेक्स बना है वो टूटने लगेगा डिप्लोटेन स्टेज, और पेयर्ड क्रोमेटिड जो है पुल अपार्ट कॉजिंग दी स्टेट टू दी सेपरेट लॉन्गिट्यूड, लंबाई में ये अलग अलग होने लग जाते हैं, और कैजमेटा टेंड टू बिकम टर्मिनलाइज एज दी मियोटिक प्रोफेस कंटिन्यूस, ये टर्मिनलाइज करने की कोशिश कर। डाइकेनेसिस प्रोफेस फर्स्ट की लास्ट स्टेज आती है डाइकेनेसिस, यहां आते आते क्रोमोसोम जो है वो छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं क्योंकि कंडेंसेशन फिर दोबारा प्रारंभ हो जाता है, और जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। द स्पिंडल एपरेटस बिकम ऑर्गेनाइज, ये स्पिंडल एपरेटस ऑर्गेनाइज हो गया, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे और ये द सेंट्रल माइग्रेट अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे दूसरे कोण पर जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगी और एक कंडेंस हो जाएंगे, थिकर हो जाएंगे, अब ये मेटाफेज स्टेज के लिए रेडी हो गए। जो स्टेज अगली आएगी वो मेटाफेज स्टेज आएगी, और उस मेटाफेज स्टेज में यहाँ कि प्रोफेज के बारे में हमने जान लिया था, और ये प्रोफेज फर्स्ट इस क्रम से विजिबल होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, सेंट्रो सेंट्रो मूवमेंट हो गया, स्पिंडल माइक्रोट्यूब फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियर डिसअपीयर अकर इन माइटोसिस, और लेट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो जाएगा, और इस प्रकार से ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से पेयरिंग होगी, और पेयरिंग हो ये एक्सचेंज हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये बाइवेलेंट दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस अलग अलग फिर सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेज आती है मेटाफेज फर्स्ट, अब इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है आर अरेंज ऑन मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे, बोथ क्रोमेटिड और होमोलोगस आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर जैसे जुड़े होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम वन पोल, दोज ऑफ द अदर होमोलोगस आर अटैच्ड टू माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल, काइनेटोकोर दोनों अलग अलग जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ आ गए, तो एक क्रोमोसोम से काइनेटोकोर इस स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है और एक का इसके साथ जुड़ जाता है, ये अलग अलग इस प्रकार से दोनों अलग अलग जुड़ जाएंगे। जब हम माइटोसिस पढ़ रहे थे तो उस माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम था, उसकी टेट्रा जो कंडीशन थी तो उसकी बाइवेलेंट में टेट्रा में से बीच में से आधा आधा गुणसूत्र दोनों तरफ जा रहे थे, यह होमोलोगस गुणसूत्र जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब एक गुणसूत्र इधर और एक गुणसूत्र इधर जाएगा, इस प्रकार से ये गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर आके इकट्ठे होते हैं। एनाफेज में कह गए क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स क्रोमोसोम पोल की ओर होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स अटैच एज सेंट्रोमियर एंड मूव एज ए सिंगल यूनिट टूवर्ड सेम पोल, सिस्टर क्रोम एक साथ जाएंगे, और होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, दोनों होमोलोगस क्रोम्स दोनों जगह अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, दैट इज एनाफेज, ये जाएंगे। टीलोफेज में एट द बिगनिंग ऑफ टीलोफेज ईच हाफ ऑफ द सेल हैज ए कंप्लीट हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक, बट ईच क्रोमोसोम इज स्टिल कंपोज ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू सिस्टर क्रोमेटिड हैप्लोइड है लेकिन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स उसमें है, और हैप्लोइड क्रोमोसोम्स के रूप में टीलोफेज स्टेज में पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब जितने गुणसूत्र थे आधे गुणसूत्र इधर एक पोल पे जाएंगे, आधे गुणसूत्र दूसरे पोल पे जाएंगे, ठीक है, ये टीलोफेज में। फिर यहाँ का क्लीवेज फोरोज होगी, अब इनका साइटोकाइनेसिस होगी, यहाँ से डिवाइड होगी, दो कोशिका बनेंगे। म्यूसिस फर्स्ट के बाद ये यानी कि म्यूसिस सेकेंड होगी, ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिविजन हो गया, दोनों पोल पे आधे आधे गुणसूत्र हो गए, सपोज अगर 46 गुणसूत्र थे तो वो गुणसूत्र दोनों 23 23 दोनों तरफ हो गए। इसके बाद कंटिन्यूस में मियोसिस सेकेंड होती है, जिसमें अब इसमें इंटरफेज अवस्था नहीं आती, और ये माइटोसिस जो है उसी के सिमिलर, यस मियोसिस सेकेंड होती है बिल्कुल सेम सिमिलर, कि प्रोफेज फेज अवस्था की जिसमें सेल्स हैव वन सेट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होगी, सेंट्रियोल सेपरेट होंगे, इस डॉटर सेल्स फॉर्म एंड फॉर्म से डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स इक्वेटर। मेटाफेज मेटाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोम मेटाफेज प्लेट पे इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों पोल पे जो दो कोशिया बनी दोनों में सिमिलर होगी, अब इनमें से आधे आधे दो गुणसूत्र हो गए थे, आधी संख्या रहेगी, लेकिन
अब ये एनाफेज में ये गुणसूत्र अलग अलग पोल पर जाएंगे तो समान, अब ये दो गुणसूत्र तो दोनों पोल पर दो दो गुणसूत्र होंगे। परिवेश में देखेंगे तो यहाँ ये इस कोशिका में चार गुणसूत्र है, जिसे दो यहाँ रह गए दो यहाँ रह गए, और नेक्स्ट अब एनाफेज में ये बराबर संख्या में आधे आधे जाएंगे लेकिन संख्या बराबर रहेगी, ये एनाफेज अपोजिट पोल में। और टीलोफेज में दोनों पोल पे ये गुणसूत्र उपस्थित हो जाएंगे और वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे, न्यूक्लियस के लिए और दो सेल के फिर साइटोकाइनेसिस होगी, दो सेल में डिवाइड होगी। इस प्रकार से म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड होने के बाद चार कोशिकाएं हमें मिल जाती हैं, इंटरफेज अवस्था म्यूसिस फर्स्ट, प्रोफेज म्यूसिस मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इस प्रकार से ये दो अवस्था और दो के बाद ये दोनों कोशिका, दो से ये दोनों में डबल होगा, ये चार कोशिका। तो म्यूसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड होगी, दोनों में हो रहा है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इस प्रकार से हमें चार कोशिका मिलती हैं जिनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, चारों में समान होंगी लेकिन पेरेंट्स कोशिका से आधी गुणसूत्र होगी आधी। दिस इज द म्यूसिस डिवीजन, म्यूसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन और म्यूसिस सेकंड समान सूत्र विभाजन माइटोसिस अवस्था। ये इस प्रकार से म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है। एक यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन इज द फेलियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड टू सेपरेट यूनिट। जब सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट होते हैं म्यूसिस के ना, तो जब सेपरेट नहीं हो पाते तो इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, और इसके कारण प्रोडक्शन ऑफ जायगोट विद एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर, इसके कारण वो क्रोमोसोम्स नंबर बिगड़ जाता है। एन एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इज डैमेजिंग टू दी ऑफस्प्रिंग, और आने वाली पीढ़ी में कोई ना कोई रोग उत्पन्न करता है। इंपैक्ट ऑफ नॉन डिस्टिंक्शन, द फर्स्ट इज कॉल्ड मोनोसोमी, मोनोसोमी रहता, द सेकेंड इज कॉल्ड ट्राइसोमी, कि मतलब एक एक सेल में गुणसूत्र की संख्या सिंगल रहेगी और दूसरे में एक संख्या ज्यादा बन गई। इफ एन ऑर्गेनिज हैज ट्राइसोमी 18, इट हैज थ्री क्रोमोसोम इन द 18 18 में सेट का तीन क्रोमोसोम ट्राइसोमी, 21 में जो क्रोमोसोम उसके तीन क्रोमोसोम जाती है। मोनोसोमी में मोनोसोमी 23 हैज ओनली वन क्रोमोसोम इन द 23 से, केवल एक क्रोमोसोम रह जाता है। इस प्रकार से ये नॉन डिस्जंक्शन होता है, मतलब उनका बंटवारा जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, दोनों कोशिकाओं में बराबर बराबर नहीं जा पाते, किसी में कम और किसी में ज्यादा हो जाना ये इसका इम्पैक्ट है। कॉमन नॉन डिसजंक्शन डिसऑर्डर हो गए डाउन सिंड्रोम, जो ट्राइसोमी 21 की ट्राइसोमी है वो डाउन सिंड्रोम कहती है। इस प्रकार मोनोसोमी 23 की हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, और क्लिनफेंटर सिंड्रोम है ट्राइसोमी 23 ट्राइसोमी XXY, इसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, ट्राइसोम एक्स जाए क्लिनफेंटर मतलब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम, एडवर्ड ट्राइसोम 18। ये कुछ है जिसमें डिवीजन सही ढंग से ना होने से, बंटवारा सही ढंग से ना होने से ये इस प्रकार के सिंड्रोम्स या डिजीज उत्पन्न हो जाती है। ओके, थैंक यू।